अहम खबर आपको देंगे और अफसोसनाक खबर है। कोयटा में रेलवे स्टेशन के करीब धमाका हुआ है जिससे कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। इमदादी टीमें और सिक्योरिटी फोर्सेज जाए वकुआ की तरफ इस वक्त रवाना हो चुकी हैं। कोयटा में रेलवे स्टेशन के करीब धमाका हुआ है जिससे कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात सामने आ रही है। इसी पर बात करेंगे, सुहेल अहमद हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, आगाह कीजिएगा, कई अफराद जख्मी हुए हैं, कुछ मालूम हो सका है? जी बिल्कुल, इस तरह है कि अब से कुछ देर कबल कोयटा रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर जब जाफर एक्सप्रेस पिंडी की तरफ जा रही थी तो एक जोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में अब तक 10 अफराद इसमें जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर अपनी मदद आपके तहत और एम्बुलेंसों के जरिए सिविल अस्पताल और बोलान मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि पुलिस और CTD और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे उनकी बारी नफरी वहां मौके पर पहुंच गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 अफराद इसमें अब तक जाबाक हो चुके हैं जबकि 10 अफराद इसमें जख्मी हुए। तमाम पुलिस की जानिब से जाबाक अफराद की तस्दीक नहीं की जा रही है। पुलिस बम धमाके की नोयत देख रही है। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी तकरीबन पहुंचने ही वाला है। इस वक्त जाए वकुआ पर इमदादी कार्रवाइयां जारी है। जी, जाए वकुआ पर इस वक्त इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। कोयटा में रेलवे स्टेशन के करीब धमाका हुआ है जिससे कई अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। इमदादी टीमें और सिक्योरिटी फोर्सेज इस वक्त जाए वकुआ की तरफ रवाना हो चुके हैं। सुहेल अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।